अब मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ। ये प्रोडक्ट है गुड वाइब प्लस ब्रांड का एलोवेरा प्लस नीम जेल। गुड वाइब ब्रांड के बारे में आप सब जानते हो, आप सबने इसके प्रोडक्ट यूज़ किए, काफ़ी अच्छे होते हैं और ये आपको सिर्फ purple.com पे ही मिलेंगे। इसी ब्रांड ने अपने नेम में थोड़ा सा वेरिएशन किया है, ये है गुड वाइब प्लस, क्योंकि इसमें आपको दो इंग्रीडियंट के जेल मिलेंगे, एलोवेरा प्लस नीम। जो गुड वाइब ब्रांड के जेल आते हैं वो सिंगल आते हैं, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, तुलसी जेल हो गया, वो सिंगल इंग्रेडिएंट के आते हैं। इन्होंने नेम में थोड़ा सा वेरिएशन करके और दो इन चीज़ों के जेल को एक साथ मिक्स करके दिया है। तो आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो ये गुड वाइब प्लस ब्रांड का एलोवेरा प्लस नीम एक्ने कंट्रोल प्लस हाइड्रेटिंग जेल है, क्योंकि इसमें एलोवेरा मिला है तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और नीम मिला है तो ये एक्ने कंट्रोल भी करेगा। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह के व्हाइट कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगा। ये आपको सिर्फ purple.com पे ही मिलेगा, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप देख सकते हो 50 ग्राम है। एंड गुड वाइब ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबिन और क्रुएल्टी फ्री होते हैं, ये सब आपको पता है। अगर इसके MRP की बात करो तो इसके MRP आप देख सकते हो 225 है, पर purple.com पे अक्सर ऑफर आते रहते हैं तो ये आपको डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिलेगा। इसकी सेल्फ लाइफ आप देख सकते हो 3 ईयर्स है, 3 साल तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, पर अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो ये विद इन 1 to 2 मंथ खत्म हो जाएगा। इनके आप इंग्रीडियंट की लिस्ट देख सकते हो, इसमें आपको एलोवेरा जूस, नीम मिलेगा, विटामिन ई मिलेगी, कई सारी चीज़ें मिलेंगी, पर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पैराबिन फ्री होते हैं। पर इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इस प्रोडक्ट में इन्होंने आर्टिफिशियल कलर भी मिला और फ्रेग्रेंस भी मिला है, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई। फिर इस साइड इन्होंने कुछ थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि जो एलोवेरा प्लस नीम जेल है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा, हाइड्रेट रखेगा, रेडिएंट रखेगा, साथ ही आपकी स्किन पे जो ब्लैक हेड्स है उसे भी रिमूव करेगा। फिर इसे कैसे यूज करना है तो आप देख सकते हो, इसमें उन्होंने लिखा है कि टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जेल ऑन टू योर फिंगर एंड जेंटली मसाज अक्रॉस योर फेस, और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे डेली यूज करना है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये हो गई तो इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग की बात। अब मैं इसका इनर प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ। तो हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग की बात, अब मैं आपको थोड़ा सा इनर पैकिंग भी दिखाती हूँ। तो इनर साइड से आप देख सकते हो, आपको कुछ इस तरह के बोतल में ये प्रोडक्ट मिलेगा, डार्क ब्राउन कलर का बोतल है। ऊपर आपको ये कवर मिलेगा ग्रिप के साथ, जो कवर आता है। इस बोतल पे भी उन्होंने यही सेम चीज़ें लिखी हैं जो उन्होंने कार्डबोर्ड पैकिंग पे लिखी थी, कि इसे कैसे यूज करना है, इसमें इन्होंने क्या क्या मिलाया है, इसकी क्वांटिटी, MRP, यही सारी चीज़ें निकली हैं। बोतल को ओपन करोगे तो आपको अगेन एक वाइट कलर का कैप मिलेगा, यहाँ पे एक हैंडल मिलेगी, इसे ओपन करोगे तब आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट, और ये आप बोतल आपको एम्प्टी दिख रहा है क्योंकि मैं 10 डेज से इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ डेली, इसलिए ये थोड़ा सा खत्म हो चुका है। इस बोतल को जैसे ही आप ओपन करते हो आपको बहुत ही स्ट्रांग सी फ्रेग्रेंस आती है, पर ये फ्रेग्रेंस ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो विद इन वन टू टू मिनट ये फ्रेग्रेंस डिस्पेयर हो जाती है, गायब हो जाती है, पर बहुत ही स्ट्रांग इसकी इस फ्रेग्रेंस है। स्ट्रांग फ्रेग्रेंस होने के कारण मे भी कुछ लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम हो सकती है, पर ट्रस्ट मी गाइस, ये फ्रेग्रेंस ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, विद इन 1 to 2 मिनट में डिस्पेयर हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको टेक्स्चर दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही लाइट वेटेड है, एकदम जेल के फॉर्म में है, बहुत ही लाइट वेटेड है, नॉन ग्रीसी इसका फॉर्मूला है। मैं थोड़ा सा आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही नॉन वेटेड है, मतलब एकदम ग्रीसी चिपचिपाहट वाली कोई भी फीलिंग नहीं आएगी और बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। सो यू कैन सी ये कितनी जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, और आप मेरे हैंड देख के आप फील कर सकते हो कि आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा कि मैंने अपने हैंड पे कुछ लगाया हुआ है। प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ग्रीसी है, ऑल स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे क्लेम किया है कि ये प्रोडक्ट वैसे तो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, पर हाईली रिकमेंडेड है फॉर ड्राई स्किन, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ड्राई स्किन वाले इसे लगा लेंगे तो उन्हें और एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ये इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजर नहीं प्रोवाइड करता है, तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। ये इतना सफिशियंट है कि ड्राई स्किन वालों को इतना मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करे कि इसे लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयली स्किन वालों के लिए भी मुझे इस मौसम में लगता है ये इतना अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई कि इन्होंने ये चीज़ क्यों लिखी है कि हाईली रिकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन है। वैसे तो ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, एलोवेरा प्लस नीम।
अगर फ्रेंड आपके पास अलग से एलोवेरा जेल है और अलग से नीम भी जेल है तो आपको ये मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट लेने की कोई ज़रूरत है। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लो, थोड़ा सा नीम जेल लो, दोनों को मिक्स कर लो, आपका यही प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से एलोवेरा प्लस नीम जेल लेने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है और आपको एक्ने एंड पिम्पल की प्रॉब्लम होती है तभी आपको मुझे लगता है इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपकी स्किन पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपके पास एलोवेरा जेल है तो मुझे नहीं लगता आपको एलोवेरा प्लस नीम जेल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने एंड पिंपल की प्रॉब्लम है और आपके पास ये एलोवेरा जेल या नीम जेल नहीं है तब आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको एलोवेरा की भी गुडनेस मिल जाएगी और नीम की भी गुडनेस मिल जाएगी। नीम में आप जानते हो कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो धीरे धीरे आपके जो एक्ने एंड पिंपल की बैक्टीरिया होते हैं उसे किल आउट करती है, उसे काफ़ी अच्छे से ड्राई आउट करती है। और एलोवेरा आपकी स्किन में जो मार्क्स आते हैं उसे भी रिमूव करेगा, साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड सॉफ्ट भी रखेगा। पर ऐसा भी नहीं होगा कि आपने 2-3 दिन इस प्रोडक्ट को लगा लिया और जितने भी एक्ने पिंपल थे सब ठीक हो गए, जितने भी मार्क्स थे वो रिमूव हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे 15 to 20 डे, 1 मंथ तक यूज करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। 2-3 दिन में आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट में एक चीज़ और क्लेम किया कि आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, तो ये भी मुझे सही नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट ब्लैक हेड को रिमूव करता है। हाँ, आपके एक्ने एंड पिंपल को ये धीरे धीरे ड्राई आउट करता है और बहुत जल्दी नहीं, इसमें ये टाइम लेता है, 1 मंथ तो आपको लग ही जाएंगे इसे ड्राई आउट करने में। तो अगर आपको एक्ने एंड पिंपल की प्रॉब्लम है और आपके पास नीम जेल नहीं है तब डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करना, इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। पर रेगुलर बेसिस पे आप इसे 15 to 20 डेज यूज़ करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपकी स्किन पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एक्ने पिंपल या ब्रेकआउट की प्रॉब्लम नहीं है, तब मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। सो गाइज, यही था आज का छोटा सा रिव्यू। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका रिव्यू कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करना लाइक, और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बगल में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना। तो चलो, मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।